हुआ बाबू? गुरुकुल। किस क्लास पढ़ता है? चौथा में। 3 तारीख शुक्रवार जो था उस दिन अंडा मिला था खाने के लिए? नहीं दिया था। अच्छा, हम स्कूल आते हैं बराबर के एब्सेंट रहते हैं? आप मतलब रोज आते हैं भोला जी आते हैं कि बराबर फरार रहते हैं? फरार रहते हैं कि आते हैं बराबर? बराबर नहीं आते हैं। पढ़ाते भी नहीं? नहीं। तो है यहाँ की क्या स्थिति है बताइए, आप क्या हैं यहाँ का? हमारा मतलब सचिव का मतलब पति हैं हमें। हाँ, आप सचिव पति हैं, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश मुखिया। दिनेश जी बताइए, आपके विद्यालय की क्या समस्या है? समस्या सर बहुत गंभीर है, हमारे मास्टर वाह के समस्या बहुत गंभीर है। इसलिए गंभीर है, नहीं टाइम से आते हैं, नहीं टाइम से पढ़ाते हैं, और इधर उधर चले जाते अपना सुई दुई देना है, और हो गया यहाँ से फोन आया बेला बेला दो दूर गया, बच्चे उसे ही खेलते रहते, और क्या करेंगे, नहीं खाना ढंग से देते हैं। और इसके बाद है कि देख रहे कितना कचरा बना कर रखा है, हैं उसको तो सफाई तो मास्टर करवाना चाहिए ना। और क्या कहेंगे, और ये पिछले हफ्ते भी अंडा उंडा जो है और 20 अंडे बोला बांटने के लिए, तो हम मास्टर साहब को बोलें जो आप जितना हाजिरी बना हुआ है उतना अंडा ला करके दीजिए, और क्या कहेंगे। बच्चे का भी कहना है जो अगले सप्ताह अंडा नहीं दिया गया था। हाँ, और क्या कहेंगे सर, यही बात है, खाना भी ढंग से नहीं बनाते हैं। खाना बराबर बन रहा है क्या? खाना बराबर नहीं बनता है, खाना तो बराबर बाहर था, पूरा हाजिरी बना के दे दिया कि ये खाना बन रहा था, और कुछ नहीं, और क्या कहेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसको मास्टर को बदल दीजिए, और हमारा दीजिए मास्टर स्कूल में जो शिक्षा दे, और विद्यार्थी शिक्षा देगा तब ना वो आदमी बनेगा, नहीं तो डाकू बनेगा, हैं चोर बनेगा, और क्या बनेगा सर, और तो कुछ नहीं बन सकता इसके लिए। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं प्राथमिक विद्यालय घोराहा, जो समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत आता है, बंगाटा पंचायत में है, और यह सुदूर देहात में विद्यालय है, इस कारण यहाँ के लोकेशन रास्ता भी सही नहीं है, कोई यहाँ पहुँचता तक नहीं है देखने के लिए, और यहाँ सचिव पति का आरोप है कि बराबर MDM बंद रहता है, HM की मनमानी के चलती जो है सो मतलब यहाँ के ग्रामीण लोग भी परेशान हैं, और यहाँ शिक्षक वह HM जो है भोला मिसर हैं, वह बराबर यहाँ स्कूल से गायब रह के वह जो है कंपाउंडरी करता है, गांव टोला में जाकर सुई तुई देने का काम करता है, जिस कारण पठन पाठन बाधित होता है, जबकि अंग्रेजी विषय उन्हीं का सब्जेक्ट है, और बच्चे को 1-3 का ज्ञान नहीं है, ये स्थिति बनी हुई है प्राथमिक विद्यालय घोराहा की। कहना है से कृष्ण कुमार संजय की मास्टर, इस स्कूल के विधि व्यवस्था के बारे में बताइए, क्या से नहीं आता है स्कूल के बारे में है सर? मैंने समय पर मास्टर नहीं आता है, समय पर 2-2 महीना 3-3 महीना 3-4 महीना छुट्टी मारता है, कभी ये भी करता है, चीज दवाई करता है, बेला बढ़ाता मोना घोराहा करता है, लेकिन स्कूल नहीं आता है, विद्यार्थी के वोनो माथी नहीं आता है, और नाम कहाँ से होगा आएगा, कभी भोजन में जो छे से दिक्कत। क्या नाम होता है? हमारा धनेश्वर जी। कहीं घर छे से पढ़ाई में जो पढ़ाई नहीं होगा तो विद्यार्थी कैसे उसको ज्ञान होगा, इसीलिए उन मास्टर से स्कूल का नाम बहुत समस्या है सर, विद्यार्थी के लिए बहुत समस्या, बराबर पढ़ाते हैं आते हैं आप ज्ञान है, करीब 7 साल की 10 साल बीत रहा है, कौन सर जी आते हैं बराबर और कौन सर जी कम आते हैं, इसीलिए हम यही कहते हैं जो इनको बदल दिया जाए तभी जो है इसी गाँव का कल्याण है। कौन सर आते हैं बराबर कि कौन सर आते हैं तो नहीं, क्या नाम है बोल करके समाप्त कर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम धराय मुखिया है। क्या जो सर नहीं आते उसका क्या नाम है? हाँ।